हमारे साथ है राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी। ऐसा क्या हो कि चौधरी साहब आप बोलने के लिए खड़े हुए हैं और आपके जो साथी हैं आपका विरोध करने लगे? मैं नहीं समझता क्या हुआ, और ये तो आप उनसे पूछिए क्यों इतने गर्म हुए। उनका हाई ब्लड प्रेशर है, क्या प्रॉब्लम है, उनको जांच तो करानी चाहिए, क्योंकि आज का ऐसा कोई विषय नहीं था और पक्ष और विपक्ष में हमें बंटना नहीं चाहिए था। ये देश के लिए बहुत गौरव की बात है, गर्व की बात है, खुशी की लहर है पूरे देश में। जमीनी लोगों को भारत रत्न मिला है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का नाम सिर्फ कृषि वैज्ञानिक ही नहीं देश का किसान भी जानता है। नरसिम्हा राव जी ने देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को शुरुआत करके बड़ी तरक्की के रास्ते हम सबके लिए, आम लोगों के लिए खोले। चौधरी चरण सिंह जी देश के नायक रहे। अगर मैं चौधरी चरण सिंह जी के संबंध में जब मैं कह रहा था तो उन्हें खलल नहीं डालनी चाहिए। वो ये भी कर दी कि किस तरह से आपको मौका दिया गया और कहीं ना कहीं इसके पीछे जो है मैंने बीजेपी के करीब आप जा रहे हो। मैंने दरखास्त की थी चेयर से, कल मेरी दरखास्त दर्ज हुई थी और मैंने उनसे समय मांगा। क्या मुझे, मैं उनका पोता हूं और मैं उनकी विचारधारा से भी जुड़ा हूं, क्या मुझे चौधरी चरण सिंह जी के बारे में सदन में 2 मिनट बोलने को नहीं मिलेंगे? क्या कारण है ये वो नहीं चाहते कि मैं बोलूं? वो ये भी कह रहे हैं कि इसके एवज में जो है राष्ट्रीय लोक दल जो है चेयर का अधिकार क्षेत्र होता है, चेयर तय करेगा कौन कहां बैठेगा और कितना बोलेगा।